मेरा नाम तस्लीमा सुबहान, मैं आंगनवाड़ी एसोसिएशन वर्कर्स हेल्प एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कश्मीर परवन से हूँ। ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कई दिनों से, ये इस बात पर है कि हमें गवर्नर साहब ने पंचों, सरपंचों और काउंसलरों के हवाले किया है, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि करप्शन और बढ़े। गवर्नर साहब से मैं अपील करती हूँ कि गवर्नर साहब आप सुन लीजिए, समझ लीजिए हमारी बात, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हम उनके साथ, क्योंकि उससे करप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे लोग अपने वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमें कतई नहीं मंजूर है। हमें अपना काम है, हम अपने सेंटर में काम करते हैं, सेंटर की जो स्कीमें हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, उसमें हमें बाधा आ जाएगी, उसमें दिक्कतें आ जाएगी, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाली गवर्नमेंट के लिए। हम चाहते हैं कि हमें अपना काम असलूबी से करने दे, जैसे हम करते थे, जैसे हमारी सुपरविजन, हमारा CDPO, हमारा कमिश्नर, हमारा डायरेक्टर कर रहा था, वैसे ही इस वक्त भी हम वही चाहते हैं कि वही लोग करें। और ख़ासकर हमारा जो पे है, कहते हैं कि हमारा जो पे है वो सरपंचों और काउंसलरों के हवाले किया जाएगा, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम रोज़ काउंसलर के घर जाए, हम रोज़ सरपंच के घर जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये डिपार्टमेंट है औरतों का, इसमें खाली औरतें ही काम कर रही है। 64,000 लोग जो जम्मू कश्मीर में हैं इस वक्त एहतजाज पे है, इस वक्त इस टाइम कारगिल में भी एहतजाज चल रहा है, जम्मू में भी एहतजाज चल रहा है और श्रीनगर में भी एहतजाज चल रहा है। हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि ये जो आपने आर्डर निकाला है ये जल्द से जल्द वापस कीजिए। और ख़ासकर हमारा हमारी दूसरी बात यह है कि हमारा सीनियरिटी लिस्ट, उसमें बहुत धांधलियाँ हो रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और उन लोगों से अपील करते हैं जो ये सीनियरिटी लिस्ट कायम करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि सीनियरिटी ऐसी नहीं बनती है, कि हमारे साथ हर लिहाज में इंसाफ करो। और हमारी जो पे है ना 8-9 महीने से बंद है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रिलीज़ करें, ताकि हम मेरे बच्चे भी खुशी से ईद कर सकें।